असंभव को संभव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जानना हो तो पूछिए उस बच्ची से जो एक चलते टेम्पो में पैदा हुई, सिर्फ इसीलिए कि उसके गरीब पिता अपनी गर्भवती पत्नी को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए। हम लोग के पास तो पैसा उसे था ही नहीं, तो हम लोग घर ले लाए उसको, पेन होने लगा, फिर हम लोग ले गए तो रास्ते में हो गया। किसने सोचा था कि सड़क पे चलते वाहन में अकस्मात पैदा हुई ये बच्ची एक दिन वर्ल्ड नंबर वन तीरंदाज बन जाएगी। यही नामुमकिन सी दिखने वाली सच्ची गाथा है पद्मश्री दीपिका कुमारी की। घर में टोटल 5 लोग हैं एंड कभी 3 लोगों का पेट भरता था तो 2 लोगों का पेट नहीं भरता था। कभी सब्जी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होते थे तो कभी नहीं होते थे। मैं हॉस्टल में रहूँगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो एटलीस्ट मेरे घर का एक बर्डन कम होगा और वो लोग अच्छे से रह पाएंगे। रिकर्व बो मैं पहली बार उठाई थी, तो मैंने वैसे ही एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट प्राइज मिला था 500 रुपए का। दीपिका जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अपनी धाक जमाने लगी। कुछ ही सालों में ग्लोबल लेवल पर 6 गोल्ड और 11 सिल्वर मेडल्स जीतकर दीपिका कुमारी ने खुद को वर्ल्ड नंबर 1 के खिताब पर काबिज कर लिया। दीपिका का क्वालिटी ये है कि 10 में मारने का पूरा कॉन्फिडेंट रहता है। दीपिका जहाँ जाती हाथों में मेडल लेकर लौटती, लेकिन रियो ओलंपिक्स में दीपिका कोई पदक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक लेके वापस लौटी। रियो ओलंपिक हारने के बाद मैं बहुत दुखी थी। दीपिका को हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हर शॉट में कौन सा मेंटलिटी पे वो शॉट कर रहा है। दीपिका के कोच ने उन्हें इस हार के सदमे से उबर कर भविष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए उकसाया। भारत सरकार ने भी इस हुनरवान खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी सफलताओं का सही संज्ञान लिया और उन्हें अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इतनी सराहना और सबके एकजुट प्रयास का सहरा बांधे थाईलैंड में आयोजित 2019 की एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाते ही दीपिका ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपना स्थान सुनिश्चित किया। दीपिका बहुत ज्यादा भूखा है ओलंपिक मेडल के हिसाब से, तैयारी भी कर रही है। अगर वो मेडल मुझे मिलता है तो मैं आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा बनूंगी। देखा जाए तो गवर्नमेंट हमें सब कुछ देती है, हमारा कैंप लगाती है, हमें इक्विपमेंट देती है, वो सब चीज़ का ध्यान रखती है। एकलव्य या अर्जुन जैसे धनुर्धर अगर कभी स्त्री के रूप में जन्म लेते तो उनका नाम होता दीपिका कुमारी, यानी 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। कॉन्फिडेंट, बिलीव योरसेल्फ and just do it.